कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक पटिया ने जनता टीवी के संवाददाता स्पर्श शर्मा से खास बातचीत की है। इस बातचीत में क्या कुछ आप देख लेते हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है सर, किस तरह की चर्चा रही, लिस्ट के संदर्भ में जानना चाहें तो सर कब तक आती नजर आ सकती है? हमारे पास जितने भी कैंडिडेट्स के नाम आते हैं सब आते हैं, उसका संज्ञान लिया जाता है, उसकी चर्चा होती है। हमारे पास पर्याप्त समय है, 2 महीना 10 दिन का समय इलेक्शन कमीशन ने दिया है, तो सभी का सोच एक है कि बड़ी शांति से ये इसको करते हैं। और एक के बाद एक परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई कि जैसे बीच में होली धुलेटी की छुट्टियां आ गई और अभी जो है रैली आ रही है, तो रैली के बाद जो है हम लोग सब निश्चित कर देंगे। मेरी समझ में बाय द फर्स्ट वीक तो आपके पास सूची सब हो जानी चाहिए। सर इसके अलावा कुछ चर्चा इस प्रकार की है कि जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहते, इसको लेकर किस प्रकार की सच्चाई है सर? तमाम दर्शक भी कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है क्योंकि उसके खुद के पास कुछ मटेरियल नहीं है। आज कांग्रेस से गए हुए 6 लोग 10 में से 6 लोग तो ऐसे जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं, उसके पास कोई मटेरियल नहीं है, उसके पास कोई नेता नहीं है, कोई कार्यकर बचा नहीं है, इसीलिए सब हर प्रकार का जो है लोगों को भ्रमित करने का हाथ कंडे इस्तेमाल करते हैं। 10-10 साल तक के प्रदेश की लूट करने के बाद वो लोगों को जैसे केंद्र सरकार में इतने जितने भी भगोड़े हैं, मोदी हैं, नीरज मोदी हुआ, दूसरा मोदी हुआ, मलया हुआ, बड़े कौभांड करके भागे, इसी तरह ये सरकार में से ही कौभांड करके सबको भाग जाने का मौका देते, खुद ही भगा देते हैं, जिसकी वजह से उसका हिसाब किताब न लेना पड़े, उसके सामने कोई केस न करना पड़े और प्रजा को कह दे देखो हमारे स्वस्थ तो सब स्वच्छ है, मगर ये बात प्रजा स्वीकार नहीं करती है। मैं इतना ही कहूँगा कि उनके बड़े बड़े लीडर एक बार विदाउट पुलिस प्रोटेक्शन दूर दराज के इलाकों में जाके दौरा करके आ जाए, उसको समझ में आ जाएगा। कुछ नाम भी निकल कर सामने आते, कुमारी शैलजा हो गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए सर, इनको लेकर लगातार चर्चा। कुमारी शैलजा ने तो कभी मना नहीं किया, उन्होंने कहा कि हाईकमान कहेंगे तो आइदर ऑफ द प्लेसेस शिवसा या अंबाला से चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो कहा कि भैया मैं फ्रेम में नहीं हूँ क्योंकि भूपेंद्र ऑलरेडी चुनाव लड़ रहे हैं, एक ही परिवार से 2 लोग चुनाव लड़े वो ठीक भी नहीं होता है, अदरवाइज दोस्तों इज अ सीनियर लीडर, उसका जो पूरा चुनाव का संचालन अध्यक्ष और उनको करना है। हमारे अध्यक्ष जी भी हैं, वो भी असेंबली के कैंडिडेट हैं, तो ये प्रकार की बातें करना जब वैन कभी जो है भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं बचा है तो वो कांग्रेस में ढूंढते हैं कि कोई ऐसी बात निकाले कि जिसकी वजह से अपना कुछ बचाव बना के रखे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दीपक बावरिया जी थे जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली।